और क्या कमाल की जो है बैटिंग हमें जो देखने को मिली आज सीएसके के बैटर्स की जरफ से, खास करके जो बैटिंग जो है वो किया ना आज जो है ऋतुराज गायकवाड़ ने। गायकवाड़ की बात करें यार, कितनी शानदार उसने जो है कैप्टेंसी की है। एमएस धोनी उसको कैप्टेंसी अगर सौंप दिया तो मुझे यही लग रहा है कि अगर टीम में एमएस धोनी का हाथ है तो इसका मतलब है कि टीम उसी 212 रन किए हैं जी सीएसके ने, और गायकवाड़ 98 रन, अच्छी इनिंग खेली है, 100 कर जाता। बाकी दुबे ने जिस तरह का एक एंड पे साथ चाहिए था वैसा साथ बिल्कुल निभाया, और ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से 4 छक्के भी उसने, 39 रन 20 गेंदों पे, तो बहुत ही बेहतरीन और शानदार। दुबे तो इसी तरह खेल रहा है। आज जो ऋतुराज गायकवाड़ का जो डे था उसको मालूम है किस लेवल की वो बंदा बैटिंग करता है। जब जब जो उसको मौका मिलता है वो जो है वो बैटर्स की जो है ऐसी की तैसी फेर के रखते थे बॉलर्स की। चेन्नई सुपर किंग्स भाई आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है और ऐसे ही नहीं वो टूर्नामेंट छोड़ देगी। आज उन्होंने साबित किया शानदार किस्म की विक्ट्री अपने नाम की है। वो तो बहुत ही एक्सेप्शनल क्रिकेट खेल रहा है और इतने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करके क्रिकेट खेल रहा है। छक्के भी आपके सामने है, हर इनिंग में छक्के ज्यादा है चौके कम है, इसी तरह का हिसाब किताब चल रहा है इस आईपीएल में भी और पिछले साल भी। ही वाज एक्सेप्शनल, तो आज फिर 200 के स्ट्राइक रेट से नॉट आउट गया, थोड़ी और गेंदें खेल जाता तो यू नेवर नो। ऊपर से मिचेल चलो ठीक है 32 पे 50 52 कोई आजकल जिस तरह के रन बन रहे हैं उस एतवार से बस ठीक ही वाली इनिंग थी, कोई बहुत एक्सेप्शनल भी नहीं और बहुत कोई माजत वाली भी नहीं, दरमियानी सी। गायकवाड वॉज लुकिंग गुड, शुरू में इनको थोड़ा सा डिसअपॉइंट कर रहा है ब्रहाने, पिछले साल वाला उसमें टच नजर नहीं आ रहा, जो पिछले साल वो 150-160 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा था और आके बहुत ही बेहतरीन और शानदार किस्म की शॉट खेलता था ऑल ओवर द ग्राउंड। बया में रख दिया भाई इनको जब सीएसके ने, चेन्नई सुपर किंग ने आगे रख दिया। आज गायकवाड़ भाई साहब मास्टर क्लास आज देखने को मिली है, बगैर रिस्क के अगर आपको बैटिंग देखनी है ना आप ऋतुराज गायकवाड़ की आज की ये इनिंग्स देखें जिसमें आज एकदम से ना कोलैप्स हो गई बिल्कुल, वो पता चला था सीएसके होमवर्क करके आया था अपना, जबरदस्त किस्म का होमवर्क करके आया, उन्होंने सही पकड़ा हुआ था इनको, सारे इतने बड़े बड़े खिलाड़ी फॉर्म थे लेकिन कोई चल ना पाया, यही होता है। देखिए बड़ी टीम जो होती है ना वो जानती होती है, आज अगर देखें जडेजा ने जिस तरह की बॉलिंग की, देश पांडे ने जिस तरह की बॉलिंग की, फिर अब वो वाली बात उसमें नजर नहीं आ रही, और वो कभी बाहर भी होता है इंजर्ड होके कभी वापस आता है, लेकिन वो तरह थोड़ा सा ट्रिकी काम है। 12 पे 9 और वो भी पावर प्ले की 12 गेंदे, तो ये तो किसी सूरत में काबिले कबूल नहीं है, बस वो जरा थोड़ा सा लेट डाउन किया है उस वाले मोमेंट ने, बाकी अच्छा संभाला। फिर गायकवाड़ की अच्छी पार्टनरशिप मिचेल के साथ, और मिचेल के आउट होने के बाद दुबे वाज एक्सेप्शनल, धोनी का भी एक आधा चौका आ गया, चलो मिसफील्ड नहीं थी वो लेकिन चौका तो चौका ही है, तो कुछ ना कुछ जो फैंस है उनको भी जरा देखने का मजा आ गया कि चलो धोनी भी आ गया बैटिंग करने के लिए। बॉलिंग ठीक ही रही है, कोई बहुत बुरी परफॉर्मेंस बॉलिंग में भी आप नहीं कह सकते, और खास करके अगर कहा जाए आज तो पैट कमिंग्स वाज वेरी एक्सपेंसिव 49 रन्स, अपार्ट फ्रॉम हिम बाकी ठीक किया 10-9-11 रन रेट आजकल T20 में, ये तो एक मामूल की बात है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कितनी रिस्क फ्री जो उसने बैटिंग की, गैप्स में जो है वो धकेल रहा था बॉल को, और बड़े ही जो है प्यार के साथ मासूमियत के साथ जो है वो ऋतुराज गायकवाड़ ने जो है बॉल की भी धुलाई कर दी और बॉल को पता भी नहीं चला, और जो है वो इस तरीके से आज आपने बात की गायकवाड़ कहीं भी फील्ड में नजर नहीं आया, जो कैमरा था वो सिर्फ एमएस धोनी के ऊपर ही फोकस कर रहा था। भाई एमएस धोनी जितना बड़ा प्लेयर है या जितना बड़ा इंडिया का ब्रांड है या जितनी उसने इंडिया को कामयाबियां दिलवाई हैं भाई वो डिजर्व करता है, उसको जितनी ज्यादा इज्जत देंगे वो भी कम पड़ जाएगी उसके लिए, जितना बड़ा उसका नाम है। आप नाम तो चेक करें, एमएस धोनी महिंद्रा सिंह धोनी द ग्रेट महिंद्रा। पुश चाहिए था एंड पे इनिंग्स के, वो मिला ही नहीं किसी से, बॉलिंग भी नो डाउट बड़ी अच्छी की है और एज पर द प्लान की है, सोच समझ के बॉलिंग की है, और जैसे रसेल को भी आउट किया है तो भाई देश पांडे बाहर इशारा करता है उसकी तरफ। मेरा ख्याल है एंड में आपने कोई 10-12-15 रन कम किए हैं, करने चाहिए थे, वो 100 के चक्कर में थोड़ा सा गायकवाड़ जो है ना थोड़ा सा ग्रीडी हो गया, और आखिरी ओवर में सिर्फ 12 रन आए वो भी थैंक्स टू 4 ऑफ धोनी एंड 6 ऑफ दुबे। दुबे वाज अमेजिंग, 39 बॉले 20 बॉले 39, कमिंस जैसे को छक्का चौका मारना, कमिंस जैसा 49 रन दे जाए, बहुत ही जबरदस्त बैटिंग की दुबे ने। ठीक है डैरिल मिचेल की इनिंग भी नॉट बैड, 29 बॉलों में 50 और 30-31 बॉलों में 51-52 करके फर्क हो गया, लेकिन एंड में जाके मैं जाती तौर पे समझता हूँ इन्हें थोड़ा सा एक्सीलेटर पे पैर और रखना चाहिए था, 10-12 रन और बना लेते हैं तो बहुत अच्छा हो जाता। की शिवम दुबे की भाई तोबा, ये बंदा किस लेवल का प्लेयर है, किस मट्टी का बना हुआ है ये मुझे समझ नहीं आती है भाई। हर मैच में आता है 300 के स्ट्राइक रेट से पहले बैटिंग कर रहा होता है, और जब ये आउट होता है तो इसका स्ट्राइक रेट 240 का होता है। कमाल के शॉट्स थे, बड़े बड़े छक्के, और छक्का लगाना ऐसा लगता है कि शिवम दुबे के लिए कोई चुटकियों का काम है, कोई जो है वो इसके बाएं हाथ का काम है, जिस तरह से ये करता है भाई छक्का आराम के साथ जो है वो बाउंड्री को कवर कर लेता है और बॉल जो है बाउंड्री से बाहर। 212 इज अ वेरी वेरी चैलेंजिंग टोटल ऑन दिस सर्फेस कंसीडरिंग द फैक्ट दैट एसआरएच इज नेवर नोन टू चेस डाउन 200 ऑफन। एक दफा सिर्फ इन्होंने किया, पिछली दफा भी मेल्ट हुआ, आज उससे भी थोड़े से रन, 206 था रॉयल चैलेंजर्स का, आज 212 हो गया, तो उससे भी रन आता है, वो अपने घर में था आज चेन्नई में है, मैच टफ है, अगर ऊपर से ओपनर आउट हो गए जल्दी तो टाटा बाय बाय हो जाए और सनराइजर यू नेवर नो बड़े मार्जिन से हार जाए। स्कोर ठीक है, स्कोर इज नॉट बैड, पति राना रोज रोज कुटनी खाएगा, कम ही खाएगा, मुस्तफीजुर रहमान को पिछले मैच में बड़ी गालियां भी दी लोगों ने,
स्कोर भी उसने दिया, बट आई डोंट फील कि वो इतना बुरा बॉलर है कि उसे रोज आप मारेंगे। जडेजा है, मोइन अली है, आई एम अ बिट सरप्राइज ये डैरिल मिचेल को यूज नहीं कर रहे बॉलिंग में, हालांकि उसे रिजवान अदर सब करना चाहिए। गायकवाड़ ने लीड किया फ्रंट से, कैप्टन थे, शानदार किस्म की बल्लेबाजी करके अपनी टीम को मैच जितवाया और द ग्रेट एमएस धोनी भी क्रीज के ऊपर आ गए थे, लेकिन वो कुछ कर नहीं। आपके पास जो है वो मिडिल ऑर्डर में शिवम दुबे जैसा बल्लेबाज होना, यकीन माने आपको भी टेंशन नहीं होती है। कम अज कम जो है वो ज्यादा नहीं तो वो एक सीजन में 3 से 4 मैचेस आपको अकेले अपने दम पे जितवा देता है। आप इससे पहले देखें कि 2 से 3 मैचेस में शिवम दुबे ने क्या कमाल की जो है बैटिंग की है, मार मार के जो है बॉलर्स को दुमा बना देता है। और आज फिर से आप देखें जो इंपैक्ट क्रिएट किया इसकी इनिंग्स ने T20 की बैटिंग। और ये होता है फिनिशर, अक्सर हम फिनिशर की बात करते हैं ना यार, फिनिशर फिनिशर, हमारे पास फिनिशर नहीं है। ये होता है असली फिनिशर, जब बॉलर 10 बॉलें मिले, 20 मिले, जिस भी नंबर में भेजो आके वो धुलाई करके ही जाएगा। 19वां ओवर आमतौर पर 8 रन का जाता नहीं है, बहुत शानदार ओवर, बहुत ही आउटस्टैंडिंग, उसमें भी एक चौका आ गया। तो आखिरी 2 ओवरों में मतलब विकेट इतनी हाथ में हो तो आप 25 से 30 रन एक्सपेक्ट करते हैं, वो 20 रन आए हैं आखिरी ओवर में, 12 और सेकंड लास्ट में 8 रन। उनतकट वाज अमेजिंग इन द सेकंड लास्ट ओवर, अमेजिंग, ही वाज गुड। और बाकी जो उसको खैर विकेट भी मिला उसका मिचेल का, गायकवाड ना, गायकवाड को किसने आउट किया, गायकवाड का वो छक्के वाला गेंद था, बिल्कुल मतलब अच्छा फुल टॉस था, खैर विकेट तो विकेट ही होता है। तो अच्छी बॉलिंग की है कमिंस को छोड़कर, बाकी सबने कोई बहुत मायूस नहीं किया, ठीक है। जैसे मैंने बताया कमिंस पहली बार इस आईपीएल में इतनी कुट खा गया, वरना पूरा आईपीएल अच्छा जा रहा था, लेकिन हमारे आगे आगे बजा के रख दिया आज भजन सीएसके ने। फिर आज आपने देख लिया कि बड़ा माइंड एमएस धोनी का ही है, बिग माइंड क्लेवर माइंड एमएस धोनी का ही है, और सिंगल हैंडल ही आया, वन साइड में आई था तकरीबन, फुल वन साइड में आई था कि बैटिंग में अपने पास आने दिया और ना बॉलिंग में अपने पास आने दिया, दोनों डिपार्टमेंट में, बॉलिंग में, बैटिंग में, फील्डिंग में, कप्तानी में सीएसके ने आज प्रॉपर डोमिनेट किया। और एमएस धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, देखिए एमएस धोनी की आज के मैच में बड़ी ज्यादा पीछे एमएस धोनी का बहुत दिमाग था, छक्का लगा लेता। और फिर जो एमएस धोनी को फैंस जो चाह रहे थे कि यार धोनी आए, और धोनी जो यहाँ पर अपने एक ही बॉल मिला एमएस धोनी को और उसी पे चौका लगा के 400 के स्ट्राइक रेट से जो एमएस धोनी ने बैटिंग की और जो एक बॉल में चौका लगाया और एमएस धोनी जो ओवर से खत्म हो गए। बदकिस्मती सबसे बड़ी है कि एमएस धोनी बैटिंग के लिए लेट आते, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यार कि जडेजा को मैं आपको ये प्रतिक्रिया उतना ही पसंद आया होगा जितना मुझे आपका प्यार और समर्थन है जो इस चैनल को आगे बढ़ाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन को स्मैश करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करने ना भूलें ताकि हम आपको और ऐसे दिल को छू जाने वाली प्रतिक्रिया ला सके। अगली बार तक क्रिकेट का जज्बा जिंदा रखिए। जय हिंद और खुश रहिए।